तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ट्रिक दोस्तों, कि अगर आप अपने व्हाट्सएप में किसी की भी चैट को हाइड करना चाहते हैं, चैट पर लॉक लगाना चाहते हैं, किसी की भी चैट को छुपाना चाहते हैं, तो कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे लॉक लगा सकते हैं, तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, अगर आप किसी की भी चैट को जो है हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो कैसे छुपा सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिर तो फ्रेंड जो है, अगर आप यहाँ पर जो है इंस्टा प्ले स्टोर ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं चैट आईड ऐप व्हाट्सअप, तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे गाइस, जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलती है। आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आपको जो है इनका यूज़ नहीं करना है। अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये जो है काफ़ी एप्लीकेशन जो है फ्रॉड होने वाली भी है गाइस। तो आपका व्हाट्सअप है जो आपके मोबाइल नंबर है जो फ्रॉड भी हो सकते हैं, तो आप इसका यूज़ ना करें। और अगर आपको जो है व्हाट्सएप में किसी की भी चैट को हाइड करना है, तो हाइड कैसे करेंगे, तो मैं जो है यहाँ पर सिंपली ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हाइड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको किसी की भी चैट को हाइड करना है, उसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाया जाता है, यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन, साउंड का ऑप्शन और यहाँ पर आपको आर्काइव का ऑप्शन दिखाया जाता है। तो ये चैट जो है आर्काइव हो चुकी गाइस, तो ये चैट यहाँ पर शो नहीं होगी। आप यहाँ पर देख लेंगे ये चैट यहाँ पर शो नहीं होगी, तो ये चैट जो है यहाँ से हाइड हो चुकी है। लेकिन ये चैट कहाँ पर दिखेगी गाइस, तो आप जब आर्काइव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये चैट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है गाइज की, इसके ज़रिए आप जो है आर्काइव में जो है चैट को कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। और कोई भी अगर आपका व्हाट्सअप को जब ओपन करेगा गाइज यहाँ से, तो उस चैट को वो यहाँ से नहीं देख सकता है। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है गाइस कि ऐसे आप हाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्ले स्टोर से अगर आप यहाँ से कोई भी ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो ये ऐप काफ़ी थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसलिए आप इन ऐप को यूज ना करें। और अगर आपको जो है चैट को हाइड करना है, तो आप कुछ इस तरह से चैट को हाइड कर सकते हैं, या फिर जो है आप अपने व्हाट्सअप पर जो है लॉक लगा सकते हैं। यहाँ से थ्री लाइन में क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे गाइस और यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। के बाद यहाँ पर आप प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फिंगरप्रिंट, तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के बाद गाइज आपकी व्हाट्सएप जिस पे लॉक लग जाएगा फिंगरप्रिंट लॉक लगने के बाद आप जो है अपने फिंगर से ही जिसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल को कोई भी व्हाट्सएप को ओपन करने को ट्राई करेगा गाइज, तो वो ओपन नहीं कर सकता है। या फिर गाइज आजकल हर मोबाइल में जो है ऐप लॉक का ऑप्शन भी आने लगा है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। ऐप मैनेजमेंट पर जाएंगे और यहाँ पर आप सिक्योरिटी पर जाएंगे और यहाँ पर आपको स्मार्ट लॉक, कई सारे लॉक दिखाए जाते हैं गाइज। आप अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक भी लगा लेते हैं, कई सारे लॉक देखने को मिलते हैं गाइज, तो यहाँ पर आप ऐप लॉक को भी ये दिखाया जाता है। इस पर के जरिए आप जो है ऐप लॉक को यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है व्हाट्सअप को यहाँ से भी आप जो है यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद जब आप व्हाट्सअप को यूज करेंगे गाइज, तो देखो फ्रेंड यहाँ पर लॉक मांगा जाएगा कुछ इस तरह। तो ऐसे आप जो है अपनी चैट को सेफ रख सकते हैं, कोई भी आपकी चैट को नहीं देखेगा। लेकिन आप जो है इस ऐप का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज ना करेंगे, जिससे आपके साथ फ्रॉड हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।